तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आपका दोस्त जितेंद्र ओझा आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर है। आज एक कहानी आपके साथ फिर शेयर कर रहे हैं, शायद आपको अच्छा लगे। जो चलिए बिना देरी किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज एक कहानी महत्व का है, जो बहुत बड़े महत्व थे, उनको पूरा विश्वास था कि मेरे भगवान मेरे को जो भी संकट होगा उसको निवारण करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक गांव था, गांव के अंतिम छोर पे एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे एक महंत बैठते थे। वो 24 घंटा भक्ति में समाये रहते थे, 24 घंटा भक्ति में ही लगे रहते थे। तो उस गांव में बारिश का मौसम था, बारिश हो रहा था। बारिश होते 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 बाढ़ का रूप पकड़ लिया, बाढ़ का रूप पकड़ लिया। तो गांव में पूरा पानी आ गया। गांव में जब पानी आया तो सारे घर पानी से डूबने लगे, उनके स्थान तक पानी आ गया। तो जब गांव के सभी लोग अपने बीवी बच्चे मवेशी लेकर दूसरे गांव दूसरे जगह जाने लगे, तो महत को भी बोले कि आप भी चलिए। तो महत बोले, नहीं, मेरा भगवान हमको बचा लेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं साधना में ही रहेंगे। तो गांव के लोग दूसरे स्थान पर चले गए। उसके बाद गांव में बहुत सारा पूरा पानी आ गया। महत का पूरा जहां बैठे थे उस पर पानी आ गया, महत का पूरा छाती तक पानी आ गया। फिर भी महत बैठे ही थे, साधना में ही थे, फिर भी वो बोले कि नहीं, हमको जब तक पूरा भगवान आके नहीं बचाएंगे तब तक हम भगवान के साथ ही हम कहीं जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे रहेंगे। तो उसके बाद भी वो नहीं गए, पूरा पानी उनके सर तक हो गया, पूरा डूब गए। उसके बाद उसमें से पानी से निकल के गाछ के पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब पीपल के पेड़ पे चढ़े हुए थे तो उस रास्ते से नाव गुजर रहा था। नाव वाले भी बोले कि आइए महत जी, बैठ जाइए, हम दूसरी जगह आपको ऊंचे स्थान पे लेके चलेंगे, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, खाना पीना जो भी है आप खाइएगा। महत जी को फिर भी विश्वास था कि नहीं, मेरे भगवान आके हमको बचाएंगे। तो महत जी बोले, नहीं, हम यहीं पे ठीक रहेंगे, हम यहीं से हमको मेरे भगवान ही आके बचाएंगे। उसके बाद दूसरा आदमी भी चला गया। कुछ दिन के बाद उसी पर बैठे हुए थे, कुछ दिन के बाद उसी रास्ते के उसी के पीपल के पेड़ के ऊपर से हेलीकॉप्टर, आजकल बाढ़ हो रहा है आ रहा है, तो हेलीकॉप्टर जाहिर सी बात है कि सामग्री वगैरह गिरा रहा है कि जहाँ पे लोग फंसे वो खाएंगे। तो वो जो रास्ते से गुजर रहा था उस रास्ते पे पेड़ था, पेड़ के ऊपर पंडित जी को देख के वो लोग भी बोले कि आओ भाई, पंडित जी के ऊपर रस्सी गिरा है। बोले, पंडित जी आप चढ़ जाइए, ऊपर आ जाइए। पंडित जी बोले, नहीं, महात्मा जो थे वो बोले, नहीं, हम नहीं चढ़ेंगे, हमको हम मेरे भगवान आके ही बचाएंगे। तो वो लोग थोड़ा रिक्वेस्ट किए, उसके बाद भी महात्मा चढ़े नहीं। उसके बाद पीपल का पेड़ पूरा जड़ से उखड़ गया, पानी की वजह से पूरा नीचे पानी हो गया, तो इसकी वजह से पेड़ कमज़ोर हो गया और नीचे उखड़ गया, पूरा जड़ से उखड़ गया। तो महात्मा नीचे गिर गए, पानी में गिर गए और वो उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब वो स्वर्ग लोक में गए तो बोले कि भगवान से बोले कि हम 24 घंटा आपके भक्ति में लगे रहते थे, आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं किए। तो भगवान भी बोले कि हम तुम्हारे पास 3 बार 4 बार आए लेकिन तुम हम लोग के साथ नहीं आए। तो बोले, वो कैसे? तो एक बार हम पूरा गांव के लोग जा रहे थे तो उस टाइम हम आपको बोले थे कि तुम आ जाओ हमारे साथ, तो बोले नहीं, हमारा भगवान आके बुलाएंगे। उसके बाद एक नाव वाला भी जा रहा था तो उसके सामने साथ भी हम बोले कि आ जाओ, तुम बोले नहीं, हमारा भगवान आएंगे। तो पूरा कहानी बता दिए पंडित जी। फिर भगवान की सारी बात सुनकर महत को बहुत अफसोस आया कि हमको भगवान 3-4 मौके दिए, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए। उस
उसके बाद वो पछताने के सिवा उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो पछता रहे थे अपने फैसले के। में बहुत सारे मौके आते हैं जो हम लोग गंवा देते हैं, गंवाने के बाद हमको अफसोस होता है कि ये मौका गंवा दिए फिर। तो इसलिए हर मौके पर कौन सा मौका किस टाइम आ रहा है उसको एक बार ज़रूर देखें कि हाँ कौन सा मौका हमको काम आ जाएगा। इसीलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मौका आए उसको गंवाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इंसान को लास्ट में इंसान को पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। अगर कहानी अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा।